ये पैनल है स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड शंट मोटर शंट जनरेटर। इस पैनल में हमने क्या किया हुआ है, ये हमारे मोटर टर्मिनल्स हैं आर्मेचर फीड, ये हमारे जनरेटर टर्मिनल्स हैं। इसमें हम जनरेटर के ऊपर इस लोडिंग एलिमेंट के साथ लोड अप्लाई करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि उसका हमारा करंट कितना आ रहा है और आरपीएम मीटर कितना आ रहा है, आरपीएम मीटर में हमारी वैल्यू कितनी आ रही है। उसके बाद हमने इसको ऑन करने के लिए एक डीसी पावर सप्लाई लगाई हुई है जो कि हमारी प्राइम मूवर पे लगी हुई है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसे एमसीबी को ऑन करेंगे तो सारे मीटर ऑन हो जाएंगे और ये आरपीएम मीटर ऑन हो जाएगा। फिर हमने जो पावर सप्लाई लगाई हुई है हम उस पर सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं सप्लाई बढ़ा रहा हूँ जो जनरेटर दिखा रहा है वो मेरा जनरेटेड वोल्टेज दिखा रहा है। अब ये मेरा जनरेटर जो है 220 वोल्ट डीसी प्रोड्यूस कर रहा है 1470 आरपीएम के ऊपर। अब मैं इस पर करंट अप्लाई करता हूँ लोड स्विच से, जब मैं लोड किया तो यहाँ पे ड्रॉप हुआ और मेरी आरपीएम भी कम हुई। आपको जो नोट करना है वो ये वोल्टेज, ये करंट और ये आरपीएम। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं जैसे जैसे लोड अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ करंट मेरा बढ़ता जा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रही है और आरपीएम भी कम हो रही है। आपको 6 रीडिंग ले लेनी है पैनल के ऊपर। इसको बंद करने के लिए सारे लोड्स को आपको ऐसे ऑफ करना है, ये आरपीएम वापस इतने आ जाएंगे। फिर से आपको डीसी पावर सप्लाई को बंद करने के लिए धीरे धीरे वेरिएक को बंद करना है। और ये है आपका पूरा एक्सपेरिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर।